अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी, जिसके लिए मैंने गर्म पानी उबलने के लिए रख दी हूँ और मैंने आटा ले ली हूँ। जैसे ही ये पानी उबल जाता है, गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये थोड़ा थोड़ा पानी आटे में डालूँगी और एक स्पून की मदद से इसे मिक्स करते रहूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालना है और इसे मिक्स करते रहना है। ये काफ़ी गर्म है, इसीलिए हमें इस पर स्पून की मदद से इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और इसे मिक्स करते रहिए। आप इस तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अभी मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करते रहूँगी ताकि ये अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। अब ये काफ़ी गर्म है, इसे हाथ की मदद से नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी रेस्ट करने के लिए। अब मुझे 15 मिनट हो चुका था, अब मैं इसे हाथों की मदद से इसे मिक्स करूँगी, इसे अच्छे से मसलूँगी ताकि मेरी रोटी बहुत अच्छी बने। हम आटे को जितना अच्छे से गूंदेंगे, जितनी अच्छी मेहनत उस पर करेंगे, उतनी ही हमारी रोटी बेहतरीन बन के तैयार होगी। अब मुझे इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट कंटिन्यू गूंदना है और आटे को बहुत अच्छे से मुलायम सा रेडी करना है। अब ये देखिए, मैंने अपने आटे को बहुत अच्छे से गूंद के मिला के रख ली हूँ। मैंने इसे 10 से 15 मिनट गूंदी हूँ। अब ये मेरा आटा रेडी हो चुका है। मैं इसे अब थोड़ी देर और रेस्ट करने के लिए रख दूँगी ताकि जब हम रोटी इसकी बनाएं तो बहुत अच्छी रोटी बने। अब मैंने एक लोई ले ली हूँ, पेड़ा बना ली हूँ। अब इसे मैं एक थाले में आटा डाल के इसे अपने हथेली की मदद से इसे मैं गोल गोल कर रही हूँ। ये हमारी हथेली और उंगलियों की मदद से हमें दोनों तरफ करते रहना है, हल्का हल्का प्रेस करके दबाना है, जिससे रोटी बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। आप लोग भी इसे ट्राई करिए, बनेगी इंशाल्लाह आप लोगों की भी रोटी अच्छे से बन के रेडी होगी। अब मैंने ये तवा गरम कर ली थी, अब मैं इसके ऊपर ये रोटी डाल ली हूँ और ऊपर से मैं इस पर पानी से इसको ऊपर से सेट कर दूँगी। मैं इसमें ऊपर से पानी अच्छे से लगा के इसे पकने दूँगी। अब ये थोड़ी देर पक जाए फिर इसे मैं पलट दूँगी। ये अच्छे से मैंने पानी लगा दी थी। अब ये देखिए, ऊपर का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसे पलट के इसे थोड़ा सा सेकूंगी, फिर इसे मैं इसे तवा हटा के इस तरीके से पकाऊंगी। अब ये देखिए, रोटी फूलना तैयार हो चुकी है। देखिए मेरी रोटी फूल चुकी है, बहुत अच्छे से मेरी रोटी बनी है। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करिए और रोटी बना के खाइए, चावल की बहुत अच्छे और अच्छे से बन जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा। देखिए मेरी रोटी बनके रेडी हो गई है, आप लोग ट्राई करिए। फिर अमान अल्लाह।